हेलो दोस्तों, मैं हूँ साली तिवारी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कॉची फंडामेंटल थ्योरम। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम प्रूफ करेंगे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ, तो स्टेटमेंट है कि लेट एक्स जेड बी अ एनालिटिक फंक्शन इन अ डोमेन डी एंड लेट गामा बी अ सिंपल क्लोज कंटूर इन डी, देन एफ जेड जीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल अलोंग गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो जेड जीरो है वो क्या है, डोमेन में ही कोई पॉइंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक डोमेन ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमने गामा के लिए एक सर्कल लिया है गामा, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, जेड जीरो है। तो गामा हमने क्या लिया, एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर क्या है, जेड जीरो है। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर, और यहाँ पर आर क्या है, इसकी रेडियस है सर्कल की, क्लियर है। हम क्या करेंगे, एक फंक्शन ले लेंगे, लेट फंक्शन एफ जेड इस तरह से डिफाइन करेंगे कि एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो फॉर जेड नॉट इक्वल टू जेड जीरो। ये फंक्शन हमने लिया है फॉर जेड नॉट इक्वल टू जेड जीरो के लिए, ठीक है। अब क्या है, फंक्शन एनालिटिक है, तो हमने कॉची फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है किसी क्लोज कंटूर में, तो जो इंटीग्रल अलोंग सी एफ जेड डी जेड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ये फंडामेंटल थ्योरम है। तो हमारा फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है, वो भी क्लोज कंटूर में है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जीरो है। अब देखो, एफ जेड इक्वल टू हमने क्या डिफाइन किया है, एफ जेड माइनस ये, ठीक है, तो हम इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ पर हमारा क्लोज कंटूर क्या है, गामा। एफ जेड की जगह पर क्या हो जाएगा, एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे, एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है। तो हम इसको इक्वल में भी तो लिख सकते हैं, गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड इज इक्वल टू एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, क्लियर है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने इक्वेशन देखा कि हमें ये तो मिल रहा था, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, एफ जेड जीरो तो यहाँ पर उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो ये बाहर आ गया गामा। अब देखो, वन अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, तो हम इसको जेड माइनस जेड जीरो को क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड जीरो इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा, ये लिख सकते हैं। जेड जीरो को हम लिख सकते हैं आर ई टू द पावर आई थीटा, तो डी जेड क्या हो जाएगा इसका, आर आई ई टू द पावर आई थीटा डी थीटा, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, तो क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन आर ई टू द पावर आई थीटा डी, सॉरी यहाँ पर क्या था, डी जेड था, डी जेड का जगह पे क्या हो जाएगा, आर आई ई टू द पावर आई थीटा डी थीटा। देखो, आर कैंसिल हो गया, ई टू द पावर आई थीटा, ई टू द पावर आई थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा है, सिर्फ आई बचा हुआ है, ठीक है। तो एफ जेड जीरो अपॉन आई, सॉरी मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब देखो, गामा हमने क्या लिया था, सर्कल लिया था, तो सर्कल के लिए लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो टू टू पाई, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ डी थीटा बचेगा। तो आगे सॉल्व करते हैं, और हाँ, इसमें अपन ने क्या छोड़ दिया है, जब हमने ये इक्वेट किया था तो हमें यहाँ पर दोनों साइड क्या करना था, मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन टू पाई आई, क्योंकि हमें सॉल्व आंसर में तो यही लाना है कि एफ जेड जीरो इज इक्वल टू ये लाना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय वन अपॉन टू पाई आई, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हाँ, तो अब इसको इंटीग्रेट, जीरो से टू पाई डी थीटा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ जेड जीरो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन टू पाई। अब देखो, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, थीटा, और लिमिट कहाँ से, जीरो से टू पाई, तो थीटा को हम क्या लिखेंगे, टू पाई माइनस जीरो इज इक्वल टू टू पाई, तो टू पाई कैंसिल हो जाएगा, बचा गया क्या, एफ जेड जीरो, और यहाँ क्या आएगा, वन अपॉन टू पाई आई
गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो क्या है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो अब आप इस फॉर्मूला को यूज करके कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे सीखेंगे। हाँ, तो एग्जाम्पल है यूजिंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला इवेल्यूएट दिस वैल्यू। ठीक है, तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है ये हमने लिख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखो क्या दिया गया है, सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है वन है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, पोल्स निकाल लें और देखें कि सर्कल के अंदर कौन लाइक कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो करके। तो अगर हम टू जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो जेड की वैल्यू क्या आ रही है वन बाई टू, और यहाँ से क्या आ रही है जेड इक्वल थ्री। तो इसमें देखो जेड इक्वल टू वन बाई टू ये तो अंदर लाई करेगा और थ्री ये अंदर लाई नहीं करेगा, तो हम इस पर वैल्यू इवेल्यूएट नहीं करेंगे, किस पर करेंगे जेड इक्वल टू वन बाई टू पर। तो उसके लिए अब हम क्या करें, पहले हम फंक्शन निकाल लें, इसमें फंक्शन क्या होगा, एफ जेड की वैल्यू क्या बचेगी। देखो जेड जेड माइनस जेड जीरो को अलग रखना है और एफ जेड निकालना है, तो एफ जेड हमारा क्या बचा कॉज टू पाई जेड अपॉन टू जेड माइनस थ्री, ये हमारा फंक्शन है। क्योंकि देखो टू कॉमन लेंगे तभी तो जेड माइनस वन बाई टू आएगा और जेड जीरो की वैल्यू क्या है वन बाई टू है। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन, और इस फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, तो अब इस फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, कॉज टू पाई जेड अपॉन टू जेड माइनस थ्री जेड माइनस जेड जीरो डी जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टू पाई आई एफ जेड जीरो। क्लियर है, देखो अब ये इंटीग्रल फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर जेड जीरो की वैल्यू क्या है वन बाई टू, तो हम जेड जीरो की जगह क्या लिख दें वन बाई टू वन बाई टू। तो अब ये जो है ये क्या है, यही तो है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये होगी। क्लियर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टू पाई आई, और देखो एफ जेड की जगह क्या है एफ वन बाई टू, तो जेड की जगह अगर हम वन बाई टू रख दें तो वो वैल्यू हो जाएगी। तो अब जेड की जगह इसमें हम वन बाई टू रख देंगे तो क्या आ जाएगा कॉज टू पाई वन बाई टू अपॉन टू वन बाई टू माइनस थ्री। क्लियर है, सॉल्व कर लो टू पाई आई, देखो कॉज पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस वन अपॉन टू, यहाँ पर क्या आएगा माइनस फाइव बाई टू, टू से टू कैंसिल माइनस वन से माइनस वन माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा टू पाई आई अपॉन फाइव, दिस इज द आंसर। देखा कितना इजी था, फर्स्ट हमने क्या निकाले पोल्स निकाले जिससे हमें पता चला कि कौन अंदर लाइक कर रहा है, जो अंदर लाइक कर रहा था हमने उस पर सॉल्व किया। तो हमें पहले हमने क्या किया फंक्शन निकाल लिया, उसके बाद इस जो इंटीग्रल फॉर्मूला है उससे कंपेयर किया, कंपेयर करके हमारे लिए बहुत इजी हो गया। कंपेयर किया हमने सीधा से इसकी वैल्यू इसके इक्वल है ना, तो हमने सीधे वहाँ पर एफ जेड की जगह क्या रख दिया वन बाई टू, हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।